नमस्कार मित्रों, स्वागत छे तमारू अमारी YouTube चैनल वेब टीचिंग मा। मित्रों आपणी जे जुनियर क्लास नी मॉडल पेपर नी सीरीज शुरू छे तेमा त्रण मॉडल पेपर अपलोड करी दीधेल छे। आजे आपणे चोथो मॉडल पेपर जोशुं। मित्रों जो तमे स्पर्धात्मक परीक्षा नी तैयारी करता होय अने तमारे सारी बुक नी खरीदी करी होय तो वीडियो नी डिस्क्रिप्शन मा तेमनी लिंक आपेल छे, त्यांथी तमे अवश्य खरीदी करी शको छो। तो वीडियो नी शुरुआत करीए ते पहेला वीडियो गमे तो अवश्य लाइक अने शेर करी देजो। चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। जोइए मित्रों पहलो प्रश्न, कुंची आपो बापजी। कुंची आपो बापजी काव्य ना लेखक कौन छे? तो कुंची आपो बापजी काव्य ना लेखक छे विनोद जोशी। गृहदीपक पुस्तक ना लेखक कौन छे? तो गृहदीपक पुस्तक ना लेखक छे विद्याबहन नीलकंठ। सड़ेखम शब्द नु शिष्ट रूप आपो। तो सड़ेखम शब्द नु शिष्ट रूप थशे सर्दी। शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। अहीं शब्द समूह आपेल छे वाटकाप करवानुं हथियार। तो वाटकाप करवानुं हथियार तेना माटे एक शब्द थशे नस्तर। अदल शब्दनो समानार्थी शब्द आपो। तो अदल शब्दनो समानार्थी शब्द थशे बराबर अथवा तो खरू। उद्दम शब्दनो विरोधार्थी शब्द आपो। तो उद्दम शब्दनो विरोधार्थी शब्द थशे आळस। गाय तेना गीत आ जे काव्य संग्रह छे तेना लेखक कोण छे? तो गाय तेना गीत जे काव्य संग्रह छे तेना कवि नु नाम छे ध्रुव भट्ट। ध्रुव भट्ट द्वारा आ काव्य संग्रह लखवामां आवेल छे। जवनिका शब्दनो समानार्थी शब्द आपो। तो जवनिका शब्दनो समानार्थी शब्द थशे पड़दो अथवा तो चक। नवसर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथमा प्रवासी। नवसर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथमा प्रवासी आ काव्य पंक्तिना लेखक कोण छे? तो ए जे काव्य पंक्ति आपेल छे तेना लेखक छे बाल मुकुंद दवे। आगळनो प्रश्न जोईए, जयंती दलाल द्वारा लखवामां आवेल कई एकांकीमां अनिरुद्धनुं पात्र जोवा मळे छे? तो जयंती दलाल द्वारा पारखू एकांकी लखवामां आवेल छे। तो आ पारखू एकांकीमां अनिरुद्धनुं पात्र जोवा मळे छे। आपेल वाक्यमां नामयोगी शब्द ओळखावो। अहीं वाक्य आपेल छे तमारी बेग अंदर रूममां छे। तमारी बेग अंदर रूममां छे तो अहीं जे अंदर शब्द छे ते नामयोगी शब्द थशे। शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। गायोना चालवाथी उड़ती धूळ। गायोना चालवाथी उड़ती धूळ। तो मित्रों गायोना चालवाथी जे धूळ उड़े छे तेने गोंधूली तरीके ओळखवामां आवे छे। आपेल वाक्यमां योग्य संयोजक मूकी वाक्यने पूर्ण करो। अहीं वाक्य आपेल छे संकोच तो न हतो, खाली जग्या प्रार्थना आवर्ती ज न हती, पछी बोले सी रीते। तो अहीं खाली जग्यामां संयोजक आपणे मूकवानुं छे तो संयोजक आवशे परंतु। संकोच तो न हतो परंतु प्रार्थना आवर्ती ज न हती, पछी बोले सी रीते। तो अहीं जवाब आवशे परंतु। सांज वेळा। सांज वेळा शब्दनो समास ओळखावो। तो सांज वेळा शब्दनो समास थशे तत्पुरुष समास। रूढ़ी प्रयोगनो अर्थ आपो। बारमो चंद्रमा होवो। अहीं रूढ़ी प्रयोग आपेल छे बारमो चंद्रमा होवो। तो तेनो अर्थ थशे अण बनाव होवा। ताजेतरमां डीआरडीओ अने इंडियन नेवी द्वारा वर्टिकल लॉन्च शोर्ट रेंज सरफेस टू एर मिसाइलनुं सफळ परीक्षण करवामां आवेल हतुं। तो आ जे सफळ परीक्षण करवामां आवेल हतुं ते क्या स्थळेथी करवामां आवेल हतुं? तो ओडिशाना चांदीपुर खातेथी करवामां आवेल हतुं। उकेली न शकाય તેવી સમસ્યા। ઉકેલી ન શકાય તેવી સમસ્યા શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો તેને મઠા ગાંઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આગળનો સવાલ જોઈએ, G7 સમિટમાં 7 સભ્ય દેશ આવેલા છે। તો આ 7 સભ્ય દેશમાં અમેરિકા, બ્રિટન, જાપાન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટલી ઉપરાંત કયા દેશનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તો જે G7 સમિટમાં 7 સભ્ય દેશ છે તેમાં મિત્રો અમેરિકા, બ્રિટન, જાપાન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટલી ઉપરાંત કેનેડાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તાજેતરમાં CBDT એટલે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો તાજેતરમાં CBDT ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નીતિન ગુપ્તાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। ભારતનો સૌથી મોટો ફ્લોટિંગ સોલાર પ્રોજેક્ટ ક્યાં કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે? તો ભારતનો સૌથી મોટો ફ્લોટિંગ સોલાર પ્રોજેક્ટ છે તે તેલંગાણાના રામાગુંડમ ખાતે કરવામાં આવેલ છે। તાજેતરમાં વન હેલ્થ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો તાજેતરમાં વન હેલ્થ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે તે બેંગલુરુ ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે।
घोड़े चढ़ीने आवू, घोड़े चढ़ीने आवू आ बाल काव्यना लेखक कोण छे? तो घोड़े चढ़ीने आवू आ बाल काव्यना लेखक छे चंद्रकांत शेठ। करोड़ स्तंभ में आवेला मणका जेवा हाडका ने शू कहेवामां आवे छे? तो करोड़ स्तंभ में आवेला जे मणका जेवा हाडका छे तेने कशेरुका तरीके ओळखवामां आवे छे। अवाज ने कॉम्प्यूटर में इनपुट करवा माटे सानो उपयोग करवामां आवे छे? तो अवाज ने कॉम्प्यूटर में इनपुट करवा माटे माइक्रोफोन नो उपयोग करवामां आवे छे। दूध जेवा सफेद अने पानी जेवा पातळा वस्त्र ने शू कहेवामां आवे छे? तो दूध जेवा सफेद अने पानी जेवा पातळा वस्त्र ने खीरोदक तरीके ओळखवामां आवे छे। तो मित्रों मॉडल पेपर चार मां आपणे अहीं 25 प्रश्न सुधी राखीशुं, बाकीना जे अगत्यना प्रश्न छे ते आपणे नेक्स्ट विडियामां जोशुं। आशा राखुं छुं विडियो पसंद पड्यो हशे। विडियो पसंद पड्यो होय तो लाइक अने शेर करी देजो, चेनल मां नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। फरी मळीशुं एक नवा टॉपिक साथे एक नवा ज विडियामां। त्यां सुधी जय हिंद।